एक काम करो, आप डैडी से बात करो और टाइम देख के मैं भी अथर्व को समझाऊंगी। खरगोश और कछुआ, ये जो कहानी है उसका कभी नया वर्जन आएगा जो मेरी बिलीफ सिस्टम को झिंझोड़ के रख देगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहाँ अथर्व की बात को सीरियसली ले रहे हो? हाँ, हम जानते हैं ना उसे, कभी कभी कुछ भी बोलता है वो। जानते हैं पर शायद अब पहचानते नहीं। इतनी सी बात पे इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो? तो पहले वो हमसे सीखता था, हम बाहर वालों से सीखने लगा। हाँ, सीखने लगा है, पर हमने भी सिखाना थोड़ी ना छोड़ दिया है। हाँ, तुम ही कहते हो ना राज, पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। पर गलत नहीं था वो बंदू। शायद गलत नहीं था। तुम जानते हो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है राज? तुम ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, मेहनती हो, और जो काम करते हो उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो। अथर्व की इतनी सी बात की वजह से अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना उसको डगमगाने मत दो। हाँ राज, देखो अथर्व तो जाएगा ही ना बाहर की दुनिया में, हर तरह के लोगों से मिलेगा, हो सकता है कभी उसके कदम डगमगाएं, कभी वो गलत रास्ते पे चल पड़े। तब एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं। सही कह रही हो शायद। क्या कुछ आया दिमाग में? सुनो ना, बताओ तो। ओके, लिख के बताता हूं। हो गई आप लोगों की मेरे खिलाफ प्लानिंग? इतने रूडली बात क्यों की तूने डैडी से? एक हफ्ता नहीं हुआ है तेरा कॉलेज शुरू होके और तेरे रंग दिखने लगे हैं। रंग दिखने लग गए? मैंने सिर्फ उन्हें इतना बोला है कि मुझे कॉलेज के कैंपेनिंग के लिए पैसे चाहिए। पर बोलने का एक तरीका होता है अथर्व। डैडी है वो हमारे। दीदी आपको पता है जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था ना तब स्कूल से मुझे एक सर्कुलर आया था, क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच देनी होगी। तब याद है घर में क्या हुआ था? सब लोग जुड़ गए थे मुझे क्लास मॉनिटर बनाने के लिए, मेरी स्पीच तैयार कर रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तब मेरे लिए क्लास मॉनिटर बनना इम्पोर्टेंट था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर इन सब लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट था ना। और तब क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच जरूरी थी, तो अब क्लास लीडर बनने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। तब मैंने लोगों की बात सुनी ना, तो अब इनको मेरी बात सुनने में क्या दिक्कत है? स्पीच फ्री ऑफ कॉस्ट थी और तू 20,000 मांग रहा है। वो कुछ नहीं, चुपचाप उठा और डैडी से सॉरी बोल। हाँ वो तो मैं बोल ही दूंगा, पर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। और आप ही बताओ, आप भी कॉलेज लाइफ से गुजरे हो, तो अब के जमाने में हमें स्लो एंड स्टेडी कछुआ बनना चाहिए या फास्ट एंड फ्यूरियस खरगोश बनना चाहिए? जाओ। कम इन। अथर्व आपसे कुछ बात करना चाहता है। बैठो। तुम कुछ बोलो, उसके पहले डैडी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बंधु, मुझे जो कहना था वो मैंने लिख लिया है, वो अथर्व पढ़ लेगा। क्यों पढ़ेगा क्यों? आप ही पढ़कर सुनाइए ना। मेरे थॉट्स नहीं है, ये अब्राहम लिंकन ने लिखा था, लेकिन मुझे सही और सटीक लगाया, इसलिए मैंने उसे अपने शब्दों में लिखा है। डियर अथर्व, मुझे पता था आज तुम मुझे सॉरी बोलने वाले हो, पर मुझे वो सॉरी नहीं चाहिए। मुझे बुरा लगा, इसलिए अगर ये सॉरी है उसके लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेटा तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, तुम्हें अगर तुम्हारी अपनी अलग पहचान बनानी है तो मैं ना नहीं कहूंगा। इलेक्शन में हिस्सा लेकर शायद पढ़ाई पर असर होगा, तुम्हारे नंबर भी गिर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम फेमस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
फिर भी तुम इलेक्शन लड़ो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के बाद शायद तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, बट इवन देन दैट डजंट मैटर। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। लेकिन इस खत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अंदर जो नई चीजें आजमाने का हुनर है उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, है और हमेशा रहेगी। लव यू बेटा। I'm sorry, Daddy. मैंने आपसे बहुत रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अब पैसे मिलने से रहे। मेरे ख्याल से लीडरशिप का भूत इलेक्शन तक नाचेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। पर इसके इलेक्शन है कब और किसके खिलाफ लड़ रही है? सब सब हो रहा, यही था वो लड़का। ये जिसे सफेद जूते पहने वो? हाँ सर, यही सर। पक्का? यस सर, यही लड़का है। इसने पहले मेरा ऑटो रुकवाया, फिर मेरे को बोला कि अंधेरी जाना, लेकिन थोड़ी दूर जाके ऑटो से उतर गया। और जब ये ऑटो से उतरा था तब थोड़ा टेंशन में लग रहा था। लेकिन ये अच्छे घर का लगता है लड़का। अरे सर, ये जो अच्छे घर के लड़के होते हैं ना, खास करके इस उम्र के, दिखावे के चक्कर में ऐसे शौक पाल लेते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, तू इसको छोड़, तू ये बता इसके बाद तूने किसको ऑटो में बिठाया, कहाँ छोड़ा, ये बता। नहीं साहब, इसके बाद मैंने किसी को नहीं बिठाया। मैं सीधा CNG भरने चला गया था, और CNG के बाद मैंने ऑटो को घर जाया खड़ा कर दिया था, क्योंकि मैं ऑटो सुबह से लेकर सब शाम तक चलाता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, यही मेरा लास्ट पैसेंजर था। अरे क्या राजेश भाई, क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो यार, मारे छोरे के बारे में बात कर रहे हो आप। विद्युत को आप बचपन से जानते हो, है कि नहीं? वो क्यों करेगा ऐसा? वो मारा छोरा है वो, उसको जो चाहिए ना सब मैंने लाके दिया है। फिर ये मोबाइल वोबाइल क्यों चोरी करेगा वो? हर्षद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। विद्युत मेरे लिए अथर्व जैसा ही है, बच्चा है वो मेरा, मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कोई इल्जाम लगाना ही बोलते हैं राजेश भाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात का ना कोई गलत मतलब बनते गाली। एक मिनट राजू, हर्षद बात को समझने की कोशिश कर, हम लोग सिर्फ वही बोल रहे हैं जो वो ऑटो वाले ने बोला है। मैं इनफैक्ट विद्युत की मदद लेना चाहता हूँ ताकि मेरा ये मोबाइल मुझे मिल जाए। आप समझ सकते हो ना, एक मोबाइल का गुम हो जाना मतलब कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। बहुत कुछ है उस मोबाइल में हर्षद भाई। एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ ना, मैं बुलाता हूँ उसको। विद्युत, विद्युत। हाँ पापा। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये जो तू कोचिंग क्लास में जाता है वो अपनी साइकिल से ही जाता है ना? हाँ। अरे वाह, मारो कुरकुरिया। तो ये ऑटो से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कोचिंग क्लासेस घर के पास में ही है। तो फिर कल ऑटो से क्यों गया था तू? बता बता, कल तू ऑटो से गया था कि नहीं गया था? तूने ऑटो में बैठ के वो भैया जी अंधेरी ले चलो ऐसा ऑटो वाले को बोला था कि नहीं बोला था? और फिर थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो से उतर गया था कि नहीं उतर गया था? पता ना, पता पता, जवाब दे, जवाब दे मारे कुरकुरिया। बेटा बोला। हाँ पापा, ये सब कुछ सही है। वो खुशी ना बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो उसने मुझे वहां पर बुलाया था, मैं भी वहीं जा रहा था, तो मुझे रास्ते में याद आया कि खुशी ना मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में पहचानने से मना कर देती है, और अगर बर्थडे पार्टी में भी उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो वहाँ पर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये सोचकर मैं बीच में उतर गया। अबे छाला, ये खुशी के चक्कर में इज्जत की खुदकुशी क्यों करवा रहा है तू? सॉरी राजा भाई, सॉरी। विद्युत,
रिक्शा में तुम्हें कोई मोबाइल मिला सीट पर? नहीं अंकल, वहां पे कोई मोबाइल नहीं था। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जा जा तू तू जा, जा, जा। तो कल से साइकिल पे जाना। सॉरी राजेश भाई, अरे आप टेंशन मत लो, हमारा एक दोस्त है, आपका जो मोबाइल था ना सेम टू सेम वैसे ही मोबाइल आपको दिलवा दूंगा आधे भाव में। नहीं नहीं, मोबाइल खरीदने की बात नहीं है अर्शद भाई, लेकिन ये मोबाइल गया कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। ना मेरे पास है, ना घर में है, ना ऑफिस में है, ना रिक्शा में, मोबाइल गया कहाँ? मलिक भाई ये फोन बेचने का है। ठीक है। अबे ये झरर, वो तेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने क्या बोला, कुछ बोलेगा? उसने बोला एफआईआर तभी लिखी जा सकती है जब उस मोबाइल का बिल हो और उस बिल पर राजेश भाई का नाम लिखा हो। उसने ये भी बोला कि कुछ लोग 3-4 हजार बचाने के चक्कर में बिना बिल का मोबाइल ले लेते हैं और फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए उसका बिल ही काम आता है। अब 4 सालों तक कौन संभाल के रखता है बिल? यही तो गलती करते हैं ना डैडी मैक्सिमम लोग। मतलब फोन संभाल सकते हैं तो फोन का बिल क्यों नहीं? सबको अपने फोन का बिल संभाल के रखना चाहिए। करेक्ट। अब प्रूव कैसे करेंगे कि वो फोन राजेश भाई का ही था? हो सकता है वो फोन स्पंटर का हो। बे, मेरा फोन मेरे पास है, मेरी जेब में, ये देख। दक्षेश भैया उदाहरण दे रहे हैं, वो मेरे जैसलमेर के 3 कोठी वाले भैया जैसे उदाहरण देते थे ना, वैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल। दक्कू भाई अभी प्लीज बताएंगे कि करे क्या, फोन कैसे मिलेगा? हाँ, अगर वो फोन चोरी हुआ होगा तो चोर ने तो अब तक बेच दिया होगा वो फोन, वो थोड़ी अपने पास रखेगा, है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जिसने फोन खरीदा होगा उसने फोन पे फॉर्मेट मार दिया होगा, इट मींस कि आपका सारा डेटा अब तक चला गया होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।